तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा जो यूके में एक साल निकला है पूरा, वो मेरा कैसा गया, यहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा और ओवरऑल कैसा रहा, जो भी मेरे मतलब स्ट्रगल्स थे या जो भी मैंने फेस किया और क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जितने 18-19 में आते थे उनके तीन तीन चार चार गुना स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पहले 30-40 हज़ार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आते थे साल के, ठीक है, या फिर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन यही कुछ आंकड़ा था। अभी आ रहे हैं 1-1.5 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं साल के, तो आप देख सकते हो कि 2021 में आए, फिर 22 में आए, दो दो इंटेक होते हैं हर साल में, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट की मतलब इतनी ऐसी हालत होने वाली कि अकोमोडेशन तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, अभी से हो गए हैं, या फिर आपको मिलेंगे तो महंगे मिलेंगे, या फिर मिलेंगे नहीं, फिर आपको यूनिवर्सिटी से दूर लेना पड़ेगा, फिर कहीं दूर से आपको ट्रेवल करके आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, प्लस आपका पैसा चला जाता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अकोमोडेशन ऐसी जगह पर बुक कर लो यूनिवर्सिटी के आसपास, ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एम्बर स्टूडेंट से आप बुक कर सकते हो। तो जब मैं यूके में आया था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये सोचा था कि मैं वापस चला जाऊँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था मैं। वो तो लकीली मेरा एक फ्रेंड था टाइटस, उसका और मेरा वीज़ा साथ में लगा था, तो हम लोग मेरे लिए चीज़ें इजी हो गई थी, क्योंकि एक अकेला जो इंसान होता है ना, उसको सारा कुछ अकेले फेस करना पड़ता है। फिर मैं अगर मैं बात करूँ स्टडी की, तो स्टडी में भी मेरा मतलब एकदम टॉप नॉच एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि एक तो पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट था यहाँ पर, और फिर उसके बाद में चीज़ें हो गई कि ऐसी हो गई कि मेरे को प्लेजरिज्म में आ गया था फर्स्ट मेरा जो सेमेस्टर था उसी में। हालांकि वो एक मिस्टेक थी, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो फिर बाद में उन लोगों ने वो मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और मेरे को छोड़ दिया। बट उस दौरान जो वो पूरा 1 या 2 महीने का जो प्रोसेस था, उसमें जो मैंने मेंटली मतलब जितना स्ट्रेस फील करा ना, क्योंकि यार इतनी फीस भर के आओ, कोई 15-20 लाख रुपये खर्चा करके आया बंदा, और फिर उसके ऊपर ऐसा हो जाए, तो फिर बाद में हो जाता है कि यार फेल वेल हो गए तो PSW नहीं मिलेगा और सारा कुछ खत्म। तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था मेरे को, और ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने किसी तरीके से मतलब लोगों को कांटेक्ट करा, और जो रिसर्च वगैरह मेरी पर्सनल लेवल पे करी, फिर मैंने उन लोगों को लेटर लिख के सब कुछ एक्सप्लेन करा, और वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करी कि हाँ भाई मेरी कोई गलती है नहीं और ये तुम्हारे किसी वजह से हो चुका है। फिर उन लोगों ने मानी समझी वो बात और वो सब किया। अब फिर क्या हुआ ना कि अब ये स्टडी का इधर चल ही रहा, इस बीच मैंने इंडिया में क्या मिस किया, इंडिया में मेरे भाई की जो शादी थी उसमें मैं जा नहीं पाया, ठीक है, जो मेरा रियल ब्रदर, उसकी शादी में मैं नहीं जा पाया, तो वो सारा मैं वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ। वो लोग मेरे को 4-4 बजे रात में वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दिन हो चुका होता था, और मेरा जो मतलब कि घर बना था, जब मैं आया था तब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं उस घर में अभी 1 साल हो चुका है, लेकिन मैंने उस घर में मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि कैसे जाऊँ मैं तो यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ऐसी चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इंडिया की, तो हम मिस करते ही हैं। उसके साथ में यहाँ पर स्टडी का जैसे तैसे करके मैंने किया, और फिर बाद में मेरे को जॉब, जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो मुझे लगा था कि यार जॉब्स तो इजीली मिल जाएंगी, कोई लोड वाली बात नहीं, तो मैंने जॉब्स को इतना मतलब पार्ट टाइम जॉब्स मैंने इतनी की नहीं। फिर जब मैंने स्टार्ट करी, फिर मैं बीच में कभी किसी हफ्ते करता था, किसी हफ्ते नहीं करता था, और ये चलता रहा। बट जब मेरे को एक्चुअल में पैसों की ज़रूरत थी और जब मेरे को जॉब चाहिए थी, तब मेरे को मिली नहीं, 3 महीने तक मैं जॉबलेस रहा, ठीक है, ऐसा सीन भी आया बीच में, और उन दिनों मैंने वीडियोस भी कम बनाए, वो सब चल रहा था। बट एक चीज़ ये थी कि उस टाइम डिजर्टेशन का टाइम भी चल रहा था, तो मैं उस पर फोकस करने लग गया। मैंने सोचा कि अब जॉब तो मिल नहीं रही, इससे अच्छा इसी पर फोकस करो। फिर ये सब चीज़ें होते होते मास्टर्स की डिग्री भी मिल गई मुझे, और सेप्टेम्बर से मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब मिली, परमानेंट वाली। फिर उसके बाद उसको मैंने अक्टूबर में फुल टाइम किया, और मैं इंटरव्यू भी दे रहा था, क्योंकि वो मेरे को मेरे फील्ड वाली जॉब चाहिए थी, तो मैं इंटरव्यूज़ भी दे रहा था। तो एक कोई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है, उसमें मेरे को ऑफर लेटर आ गया, मैंने उधर मूव कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं वही जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अभी चीज़ें थोड़ी ईजी होना शुरू हुई है। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखा भी हूँ, इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब आया था, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा हूँ कभी, तो मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता किसी टीयर 2, 3, 4 जो भी सिटीज़ होती होंगी, मैं गाँव का था, तो
मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती थी कि यार अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा होता तो मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती, तो मैं लोगों से कम्युनिकेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता है देखो कहीं ना कहीं, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार स्कूल में पहले नहीं पढ़ता है, किसी सरकारी में पढ़ो प्राइवेट में पढ़ो, पर फर्क तो पड़ता है। तो यहाँ पे आके फील होता है, लाइक इंडिया में कभी फील नहीं हुआ, यहाँ पे आके फील हुआ। तो ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव करी, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का तरीका वगैरह। पहले इनका एक्सेंट समझ नहीं आता था, फिर इनका एक्सेंट धीरे धीरे मैं समझने लगा। अभी तो एक साल हो गया है तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ चुका है। यहाँ की चीज़ें सीखी, यहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने सोचा कि मैं लेस्टर सिटी छोड़ दूं और कहीं और मैं मूव हो जाऊं, क्योंकि रीज़न ये था कि यहाँ पर जॉब्स नहीं थी। जॉब्स को लेकर जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल था ना, वो जॉब्स को लेकर ही था, ठीक है। वो हर एक बंदा अभी जो लेस्टर में है, लाइक मोस्ट ऑफ देम, वो लोग फील कर रहे होंगे कि जॉब्स को लेकर कितना बड़ा स्ट्रगल है यूके में। जो लाइक लेस्टर का तो मुझे पता है, दूसरी सिटीज़ का भी लोग बोलते ही हैं। और बीच में ऐसा सीन था कि मैं जब जाना चाह रहा था तब मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा भाई आने वाला था। जब मेरा भाई आ गया तो मैंने सोचा दो तीन महीने ये जब अच्छे से सेटल हो जाएगा यहाँ पे तो उसके बाद में मैं मूव हो जाऊँगा। बट उसी दौरान मेरी जॉब लग गई फुल टाइम, और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है तो मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो जॉब्स को लेकर था। ट्राई करो कि आप में कोई स्किल्स वगैरह एक्सपीरियंस ऐसा लेके आओ जिसके बेस पे आपको कोई प्रोफेशनल जॉब मिले, कोई डेस्क वाली जॉब मिले, ना कि ये वेयर हाउस और ये वाली। और अगर लगे रहोगे, ठीक है, अगर स्किल्स को इन्हेंस करते रहोगे। मैंने क्या किया था कि जब मेरी जॉब्स नहीं लग रही थी तो मैं सर्टिफिकेट्स ले रहा था, कोर्सेज कर रहा था। जो मेरा कोर्स था MSc का, उसके अलावा मैं अलग से कोर्सेज कर रहा था। क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपने ले लिया है, आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम है, हमेशा रहेगा आपके साथ में। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी स्किल्स, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस हो बट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग सर्टिफिकेट्स करो, कुछ भी करो, बट जो एक साल का टाइम है ना उसमें अपने आपको इतना, मतलब इतना बना लो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको रिजेक्शन ना मिले। हालांकि मिलेंगे रिजेक्शन तो बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको जॉब मिले, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में।